हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी बिजली का कनेक्शन स्मार्ट मीटर से हो रहा है और उस मीटर में रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिजली वाला स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अपने मोबाइल से खुद कैसे कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो अगर आप भी दोस्तों अपने बिजली मीटर का रिचार्ज अपने मोबाइल से खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसके लिए चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पर सर्च मारेंगे बिहार सुगम स्मार्ट मीटर। तो दोस्तों, आपको भी प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च मारना है बिहार सुगम स्मार्ट मीटर, अगर आप बिहार से हो तो। सर्च मारने के बाद दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये वाला एप्लीकेशन आ चुका है। इसका नाम है बिहार सुगम स्मार्ट मीटर। आप इसके लोगो को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है NB। तो आपको सबसे पहले इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर या कंज्यूमर नंबर नहीं डालना है। आपको तो क्या करना है, अपने मीटर का रिचार्ज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक रिचार्ज पे बिल, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो रिचार्ज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला कंज्यूमर नंबर और दूसरा मीटर नंबर। तो आप किसी को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यह एक स्मार्ट मीटर है। तो इसमें यहाँ पर जो ये मार्कर से लिखा हुआ है, ये कंज्यूमर नंबर है, और ये यहाँ पर जो मीटर पर लिखा हुआ है NB से शुरू है, ये मीटर नंबर है। यानी कि दोस्तों, ये है कंज्यूमर नंबर और ये है मीटर नंबर। तो आप किसी को भी वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर को डालूंगा। तो आप भी यहाँ पर जिसको भी डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा कंज्यूमर नंबर सेलेक्ट है। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर को डालता हूँ। तो हमने दोस्तों यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर को डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आता है अमाउंट का, यानी कि दोस्तों आप कितना रिचार्ज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिचार्ज का अमाउंट भी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 500, 1000, 1500, 2000 इत्यादि। तो आप अपना से जितना भी रिचार्ज को करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी 20 रुपया रिचार्ज करूँगा, और वो भी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा मीटर ऑलरेडी रिचार्ज है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने स्मार्ट मीटर के रिचार्ज खुद से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 20 रुपया अमाउंट में डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल्स आ गया है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, कंज्यूमर नेम, अकाउंट बैलेंस इत्यादि, यहाँ पर सारा डिटेल्स आ गया है। तो अब दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ये और दूसरा ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा वाला पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पे VI बिल्डेक्स। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप यहाँ पर दूसरा वाला सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आप अपना मीटर को रिचार्ज नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर पेमेंट करने वाला ऑप्शन आ गया है कि दोस्तों आप किसके जरिए पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑर्डर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI। तो दोस्तों, आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग से रिचार्ज करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना बैंक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर बैंक। तो चलिए, मैं अपना बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे मेक पेमेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो चलिए, मैं अपना मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम क्या करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP को डाल देंगे। तो दोस्तों, अभी मेरा यहाँ पर OTP आ गया है। OTP डालने के बाद दोस्तों, अब फाइनली यहाँ पर MPIN डालने का ऑप्शन आ गया है। तो अब चलिए, मैं अपना MPIN को यहाँ पर डालता हूँ। MPIN को डालने के बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारा मीटर रिचार्ज हो जाएगा। तो चलिए, मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मीटर रिचार्ज हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट कम्प्लीट सक्सेसफुली।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मीटर को खुद से रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए हुए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।